रितेश जो अभी अपना यहाँ पे बर्तन धो रहा है बेचारा। आज 9 बजे 9:30 बजे साला रितेश जो है उठा के रख दिया। अभी बज रहे 11, उस टाइम से बैठ के बकर बकर कर रहे हैं। रात में भी 3 बजे तक जो बकर बकर ही कर रहे हैं। उठ के साला खुद तो उठा, हम लोग को भी उठा के रख दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता के इंतजाम करने के लिए, तो चाय लेके आएंगे नीचे से और जो बिस्किट भी ले लेंगे। सोच रहे थे कि ब्रेड एंड पीनट बटर खा लेंगे, लेकिन ब्रेड में ब्रेड बाकी लोग को भी पसंद होना चाहिए, सिर्फ मुझे पसंद होने से तो होगा नहीं। इसलिए जा रहे हैं, अभी पहले बिस्किट लेके आएंगे, इसके बाद में नाश्ता करेंगे और फिर इन लोगों को जाना है। इसकी मम्मी जो है आज आ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को पता नहीं जिनके पास आ रही है। इन लोग जाएंगे कितना बजे? 1 बजे एयरपोर्ट जाएंगे ना, 1 बजे करीब एयरपोर्ट जाएंगे। एनीवेज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑपरेटिंग स्टडी फैन एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड द लास्ट व्लॉग। अगर नहीं देखा तो आई बटन पर लिंक है, जो भी जाके देखें। चल 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 चल, क्या बोलती है वनटाई? लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी नीचे करें हम तेरा हाफ पैंट पहन के। चल चल चल, ऑफिस वाला मूड में है पूरा, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी हम लोग का। चल चल, राहुल भी जाएगा ना, चल ना वहीं पे करवर के आ जाएगा चाय। हाँ भाई, नीचे चाय में पीने में मजा नहीं है, अपना रूम में ला के ठंडा लगेगा बिना नीचे। चाय तो ले लिए इसमें, लेकिन अभी यहाँ पे आए छोले भटूरे लेने के लिए। इसको छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। रितेश जो अभी अपना यहाँ पे बर्तन धो रहा है बेचारा। काम वाला बना दिया। चुप रह। अब मैं और राहुल हम लोग बोले कि हम लोग तो डेली बर्तन धोते हैं, डेली खाना बनाते हैं, तो आज बर्तन तू धो। बस 4 प्लेट तो है, डेली खा। छोले भटूरे लाए हैं और चाय लाए। मैं एक भटूरा खाऊंगा ज्यादा ज्यादा, काम करते रहना चाहिए। हाँ, देख रहा है बेचारा, लग रहा है बच्चा लोग नहीं लगा देता है होटल में। चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर है, एडल्ट लेबर बना दिया, एडल्ट लेबर। अरे हो गया, रेडी वेडी हो गया, अब निकले। अब ज्यादा लेट भी ना करते हुए, इन लोगों को भी अभी एयरपोर्ट निकलना है ना, मम्मी पहुंचने वाली क्या, अभी चढ़ी है, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते में इन लोगों को भी टाइम लग जाएगा। सो लंच जो है इन लोग यहीं पे बिरयानी खाएंगे, और ये कह रहा है मेरे लिए पैक उक करवा देगा। बड़ा पार्टी आदमी लोग, अमीर आदमी लोग अब क्या करें, गरीब आदमी लोग खिलाना पड़ता है। जॉब लगा, पैसा मिलेगा उसके बाद में। ये पार्टी वर्टी नहीं लिया अभी, मेरे से बोला है कि जब जॉब और पैसा लग, पैसा जब आ जाएगा। हाँ, अभी मेरी, अभी इसके तरफ से तो बाद में मेरे तरफ। हाँ, तूने क्या बोला? ये मेरे को फेसबुक पे कमेंट किया, भाई पार्टी, मैंने कमेंट किया, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट अवेलेबल, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू रीच इज नॉट अवेलेबल। अरे भाई सैलरी जब बनेगा ना, तब इंशाल्लाह एकदम करेंगे अच्छा पार्टी, यहीं पे खिलाएंगे मेरे को। है नहीं और कहाँ जाएगा भाई? भाई बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट वगैरह से जाने से अच्छा ना यही सब सही लगता है मेरे को। अच्छा है। हाँ, बड़ा रेस्टोरेंट से भी जाके क्या ही करना है, इसी दिखाते हैं लोग को। इसी जब टाइम समय आएगा तो दिखाते रहेंगे। हाँ, चल चल। ओए, कितना लिखा ला बड़ा पार्टी? सरफराज भाईजान, कल तुमको आना है घर पे? आएगा आएगा इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह करने के लिए। क्या क्या बनाएगा? लेकिन पूजा के दिन भाई नॉनवेज बनेगा? अलग से हम लोग खा लेंगे, यही तो प्रॉब्लम है, वेज खाना पड़ेगा अलग से, बाहर में होटल होटल में खा लेंगे, जाके खा लेंगे। तू भी आएगा ना? ऑफ कोर्स, ये तो आएगा, ये तो फ्री है। मेरा एक्चुअली कल इंडक्शन सेरेमनी है ना कॉलेज में, तो सॉरी कॉलेज में नहीं, जॉब बोल देना, कंपनी। ट्राई करना थोड़ा जल्दी खत्म करने का। खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा, इंडक्शन सेरेमनी, ओरिएंटेशन वगैरह कंपनी के बारे में बताएंगे, हो जाएगा 2-3 घंटा का ही होगा शायद। अब बस टाइमिंग देख के शाम के टाइम का ना हो, अगर दिन का हुआ तब ठीक है, दिन को खत्म करके शाम तक पहुंच जाएगा। थोड़ा जल्दी आने का ट्राई करना होगा, तब बैठ जाते लोग। चल बाय बाय, सेल्फी ले ले। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव इन माय लाइफ इज माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, एंड ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स आर ऑल रिलायबल, ऑनेस्टली आई कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली। एंड कई लोग जो मैं यूट्यूब में लाइक देखता हूँ ना, जो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि लाइक
इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, डोंट ट्रस्ट देम, ये वो. आई थिंक वो बस जो भी मुंह में आता है वो कहे जाते हैं. एंड आई थिंक इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू डोंट हैव टू स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, यू जस्ट हैव टू मेक राइट सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, मैच्योर्ड रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स, ना कि बस दोस्ती यारी में ही रहे. एंड आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त हैं ना सब वैसे ही है. रितेश इज वन ऑफ देम. कल तो सोच रहा उससे मिलूंगा, उसके बुआ का यहाँ पे घर लाइक गृह प्रवेश है, तो उसमें उसने बुलाया मुझे फरीदाबाद के वहाँ पे. लेकिन कल जो है मेरा इंडक्शन सेरेमनी है कंपनी का, तो वो देखता हूँ कितने बजे ख़त्म होगा, उसके हिसाब से मैं बताऊँगा. ब्लॉग के थ्रू आपको पता चल ही जाएगा कि कहाँ गए क्या किए. वैसे कल का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना है, अभी जा रहा हूँ उसी को अपलोड करने के लिए अंसार के रूम में. क्या कर रहा है लोटे? चल रहा है मौज लैपटॉप में, पढ़ाई चल रहा है, मौज चल रहा है, इसका हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर चल रहा है अभी बेचारे का. आपको अभी चलेगा, मेरा हो गया, मेरे अल्लाह के शुक्र से जो हो गया. अब बस तुम्हारी लेंगे अच्छे से कॉलेज वाले, अब तो एंजॉयमेंट करते रहना, ठीक है ना. मेरा भी ऐसे टाइम था लैपटॉप लेके हम भी बैठे रहते थे, लेक्चर्स जो है देखते रहते थे सुबह शाम. चलेगा उतना कौन देखता है ध्यान से. अभी चाय वाय पिए, लेकिन इसको जो यहाँ पे बैठने का मन नहीं कर रहा है, और इसको कल कहीं जाना भी है. लेकिन उससे पहले अभी हम लोग जा रहे हैं जहरा कैफ़े के, वहाँ पे थोड़ा देर बैठेंगे, उसका ट्रेंड आ रहा है उसके लिए हम लोग रुकेंगे वहीं पे. एंड उसके बाद जो घर जाएगा. आज बाइक लेके आया, बाइक लेकिन मैं चलाऊँगा आज. लाओ लाओ तुम्हारा चार चार चाबी. लेकिन दहरा में जाने से पहले जा रहा है ATM इसको. शहबाज के साथ था वहाँ पे, आधा घंटा से 45 मिनट वहाँ पे हम लोग रुके, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया. अभी इट्स अराउंड 8:30 घर आया, घर आके नमाज पढ़ा, नमाज वमाज पढ़ के जो भूख लगी तो मैं सोचा ब्रेड रखा हुआ है तो पीनट बटर एंड ब्रेड खा लेते हैं. सुबह मैं जब रितेश लोग को छोड़ के आ रहा तो मैं सोचा ब्रेड ला के रख लेता हूँ, कभी भी इमरजेंसी फूड ऐसा काम आता है, वरना या फिर नाश्ता में जो है यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं ले के आया था एंड काम आ गया अभी. और नमाज पढ़ा था उसी टाइम में जो रितेश का कॉल आया, उसको मैं जब भी कॉल करता हूँ नॉर्मल टाइम में कॉल करता हूँ, वो कहता है थोड़ी देर बाद कॉल कर रहा है. और ठीक कब कॉल करता है, जब मैं नमाज़ पढ़ने के बीच में रहता हूँ उस टाइम कॉल करता है. कल भी वैसे कर रहा था, मैं रुका वो कॉल करेगा उसके बाद नमाज़ पढ़ूंगा, नहीं किया तो मैं सोचा चलो पढ़ लेता हूँ, कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट लगेगा. उसके बाद एक तो ठीक जैसे नमाज़ पढ़ने में चला गया वैसे ही वो उसका कॉल आ गया, और अभी भी वही, अभी वो मुझे कहा कि थोड़ी देर में कॉल करूँगा, उसके बाद ठीक नमाज पढ़ने के टाइम में कॉल कर रहा है. एनीवेज आई थिंक आई शुड एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप सो यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अडियोस अमिगोस, गुड बाय एंड टेक केयर. बीप कर देना. एनीवेज और